अरे यार भूख लगी है। वैसे सोचा था मैंने ब्रेक में कुछ खा लूंगा लेकिन मौका नहीं मिला, लेकिन अब तो जोरों की भूख लगी है, क्या करें। चलिए चलते हैं करणवीर मेहरा के पास क्योंकि वो डब्बा खोल कर बैठे हैं। जी हाँ, लंच स्टोरी के लिए। आज हम आपको सीधे ले चलते हैं वो तो है अलबेला के सेट पर, क्योंकि हो गया है लंच का टाइम। तो करते हैं करणवीर मेहरा के साथ एक लंच और देखते हैं कि आखिर वो अपने लंच बॉक्स में क्या क्या लाते हैं और किस तरह से अपना लंच अपने सेट पर करते हैं। ये चावल है, जीरा राइस देख रहे आप, विच इज गरम गरम एकदम। मेरा एक्चुअली टिफिन ऐसा है जो उसको बटन लगाओ और वो गरम हो जाता है। और साथ में ये है, ओहो वाओ, मूंग दाल विद लहसुन प्याज तड़का। ये है सब्जी, टिंडली की सब्जी विद आलू। ये तो रायता है, स्वीट के लिए ये रही मिष्टी डोई। हाँ, इसके अंदर डाला हुआ है तुलसी। तो जब मंदिर जाता था तो मंदिर का पानी बहुत टेस्टी लगता है, तो पूछा पंडित जी से, तो उन्होंने बताया तुलसी डाल के रखते हैं, तो इसलिए तुलसी डाल के पानी पीता हूँ। और आई एम श्योर उसके कोई इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे होते होंगे अंदर के लिए। एक तो मौसम अच्छा है, ऊपर से फ़ायदा ये होता है कि सबका टिफिन दिख जाता है कौन क्या क्या लाया है। और उनके टिफिन से मटन निकाल के थोड़ा सा खाना भी शुरू हो गया हूँ। और कॉस्ट्यूम ख़राब ना हो इसलिए मैं घर से ले आता हूँ एप्रन, इसको पहन के बैठ के आराम से सबके साथ मज़ा आता है मुझे। बहुत लकी हूँ मैम क्योंकि मेरी वाइफ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, एंड लकीली जो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है शी सप्लाइज टिफिन सर्विसेज, तो उनको हम बता देते हैं हमें क्या क्या चाहिए, एंड माय वाइफ सुपरवाइजेज इट और वो बना के मस्त देती हैं। जो आप देख रहे हो प्लीज़ थोड़ा लाइक करो, पसंद करो शो को और प्यार दो, तो उससे शायद अवार्ड भी मिलेगा जल्दी। ABP News, आपको रखे आगे।